हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। जैसा कि आप लोगों को पता है कि पिछली वीडियो में हमने आपका 50 क्वेश्चंस कवर किया हुआ था पर्यावरण अध्ययन का और राष्ट्र गौरव का। हम आपको 700 प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपसे कवर करवाने वाले हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप चाहे फर्स्ट ईयर में है, सेकेंड ईयर में है, थर्ड ईयर में है, सभी के लिए कंपलसरी पेपर होने वाला है एंड बहुत इंपॉर्टेंट इसमें क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। टोटल 700 से भी ज़्यादा आपका केवल ये जो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ ये क्वेश्चन आपके राष्ट्र गौरव के हैं। पर्यावरण पर भी हम 500 क्वेश्चन का नेक्स्ट सीरीज में लेकर आने वाले हैं, तो अभी पर्यावरण का कवर कर रहे हैं। बस इतना अगर आपने पढ़ लिया ना ये 700 क्वेश्चंस, तो इससे बाहर आपको एग्जाम में कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। आपको आपके पास कोई भी पेपर होगा ना राष्ट्र गौरव का, आप उससे मैच करके देख लेना, सारे आंसर आपको इसी में से मिलते हुए नजर आएंगे। ओके मेरे दोस्त, तो चलो टाइम ना वेस्ट करते हुए आगे बढ़ते हैं। पहली बार चैनल पे आए हैं तो एक बार विजिट करके जरूर देख लेना। सब लोग पहले एक बार लाइक कर दो वीडियो को, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, तो चलो आज का हमारा पहला क्वेश्चन यानी कि 51 नंबर का क्वेश्चन। 50 क्वेश्चन हमने पिछली वीडियो में कवर किया हुआ है, अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाकर के देख सकते हो। 51 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि सूरदास के गुरु कौन थे। आई होप आप सभी को पता होगा सूरदास के गुरु कौन थे। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट है आपका रामानंद, ऑप्शन नंबर सेकंड है आपका ज्ञानदेव, ऑप्शन नंबर थर्ड है आपका रामदास एंड ऑप्शन नंबर फोर्थ है आपका वल्लभाचार्य। इन चारों में से आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सूरदास के गुरु कौन थे, सभी लोग कमेंट करके बताएंगे। आई होप सभी को इसका आंसर पता होगा, तो जल्दी से कमेंट करके बताइए। तो सूरदास के गुरु थे मेरे दोस्त, आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है इसमें, वल्लभाचार्य। सूरदास के गुरु कौन थे, वल्लभाचार्य थे। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है 52 नंबर का क्वेश्चन। ये कह रहा है आपसे कि संस्कृत का प्रथम व्याकरण ग्रंथ है, संस्कृत का पहला व्याकरण ग्रंथ कौन सा है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट है आपका पढ़नी का अष्टाध्यायी या कामांदकीय नीतिसार या फिर लघु सिद्धांत कौमुदू या फिर सिद्धांत कौमुदी। इन चारों में से आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, संस्कृत का पहला व्याकरण ग्रंथ कौन सा है, कमेंट करके बताइए सभी लोग। तो इस क्वेश्चन का मेरे दोस्त आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ना वो होगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है आपका, पढ़नी की अष्टाध्यायी, यह संस्कृत का पहला व्याकरण ग्रंथ है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है 53 नंबर का क्वेश्चन। ये कह रहा है आपसे कि नालंदा विश्वविद्यालय का संबंध मुख्यतः किस गौतम मत से है। गौतम बुद्ध का अपना एक मत है ना, तो उस कौन से मत से संबंधित है नालंदा का विश्वविद्यालय जो है। आपके ऑप्शन है हीनयान, सहस्त्रयान, महायान या फिर वज्रयान। किस मुख्यतः कौन से बौद्ध मत से संबंधित है, कमेंट करके बताइए। इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर होगा ना वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है क्या, महायान मत से संबंधित है नालंदा विश्वविद्यालय। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है 54 नंबर का क्वेश्चन। ये कह रहा है कि अर्थशास्त्र का मूल संबंध किससे है। जो अर्थशास्त्र है उसका मूल संबंध किससे है। आपके ऑप्शन है इतिहास से, अर्थशास्त्र से, दंड नीति से और धर्म से। आई होप सभी लोग जानते होंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से कमेंट करके बताओ। देखते हैं आप कितना जानते हैं, मुझे पता है आप लोगों का कमेंट क्या आने वाला है। क्या है राइट आंसर इस क्वेश्चन का, अर्थशास्त्र से। ये आपका राइट आंसर है नहीं। अर्थशास्त्र का मुख्य रूप से जो संबंध है वो है दंड नीति से। किस चीज से, दंड नीति से। ओके, अर्थशास्त्र आप समझ पा रहे हैं, ये जो बुक लिखी गई थी अर्थशास्त्र उसके बारे में बात हो रहा है, कौटिल्य के से बात हो रहा है, कौटिल्य की जो अर्थशास्त्र लिखा हुआ था उसके बारे में बात हो रहा है। ओके, अगला बात करते हैं 55 नंबर का क्वेश्चन। ये कह रहा है आपसे कि मृच्छकटिकम के रचनाकार हैं, मृच्छकटिकम के रचनाकार कौन है। आपके ऑप्शन से ऑप्शन नंबर फर्स्ट है आपका भास, ऑप्शन नंबर सेकंड है आपका सूदक, ऑप्शन नंबर थर्ड है आपका कालिदास एंड ऑप्शन नंबर फोर्थ है आपका बाढ़। तो इन चारों में से आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से कमेंट करके बताइए। इन चारों में आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो मेरे दोस्त इन चारों में आपका जो राइट आंसर है 55 नंबर क्वेश्चन के लिए वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, शूद्रक आपका राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए 55 नंबर क्वेश्चन के लिए। आओ बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है 56 नंबर का क्वेश्चन। ये कह रहा है आपसे कि काम सूत्र के रचयिता हैं, काम सूत्र के रचयिता कौन है। आपके ऑप्शन से ऑप्शन नंबर फर्स्ट है आपका चरक, ऑप्शन नंबर सेकंड है आपका पतंजलि, ऑप्शन नंबर थर्ड है आपका कल्हड़ एंड ऑप्शन नंबर फोर्थ है आपका वास्त्यायन। इन चारों में से आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 56 नंबर क्वेश्चन के लिए, बताइए क्या होगा आपका राइट आंसर। तो इस क्वेश्चन के लिए आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, वास्त्यायन आपका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। ओके, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
अगला क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है 57 नंबर का क्वेश्चन। 57 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि कादंबरी के रचनाकार हैं, कादंबरी एक बहुत फेमस बुक है, इसका रचनाकार कौन है? आपके ऑप्शन है कालिदास, भास, बाणभट्ट या फिर शूद्रक। इन चारों में से आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कादंबरी के रचनाकार कौन है, जल्दी से कमेंट करके बताइए। तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त, वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्या कह रहा है आपका, बाणभट्ट। कादंबरी के रचनाकार कौन है, बाणभट्ट है। आओ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है 58 नंबर का क्वेश्चन। ये कह रहा है आपसे कि निम्न में से कौन सी कालिदास की कृति नहीं है, इनमें से कौन सा कालिदास का कृति नहीं है? आपके ऑप्शन है महाभाष्य, कुमार संभव, अभिज्ञान शकुंतलम, विक्रमो वसियम। इन चारों में से आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से कौन सा ऐसा कृत्य आपको दिख रहा है जो कि कालिदास ने नहीं लिखा हुआ है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए, तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका पहला ही ऑप्शन, महाभाष्य जो है ये कालिदास के द्वारा लिखा नहीं गया है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर बढ़े। अगला क्वेश्चन है आपके सामने 59 नंबर का क्वेश्चन, कह रहा है आपसे कि रैदास का जन्म किस काल में हुआ, रैदास का जन्म कौन सी शताब्दी में हुआ था? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट है आपका 12वीं शताब्दी, 13वीं शताब्दी, 14वीं शताब्दी या 15वीं शताब्दी। रैदास का जन्म किस शताब्दी में हुआ था? आपके ऑप्शंस आपके सामने दिख रहे हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। देखिए आप लोग कमेंट जरूर क्या कीजिए, क्योंकि जब आप कमेंट करते हो ना तो वो आपके माइंड पर एक प्रेशर क्रिएट करता है कि आपको इसका आंसर देना है। अदरवाइज आप पढ़ते जा रहे हो बस केवल हाँ सुने जा रहे हैं, लेकिन जब आप उस पर एक्शन लेते हो तो आपका माइंड एक्शन जोन में आता है, और जब उस टाइम पर आप कोई चीज सीखते हो तो वो चीज़ें आपको ज़्यादा टाइम तक याद रहती हैं। तो इसलिए कहा जाता है कि जब भी आप कोई भी चीज़ पढ़ रहे हैं तो आप नोट्स भी बनाते रहिए, मतलब आपका एक्टिव होना इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर आप कमेंट कर सकते हैं ना, कि एक्टिवेशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल यहाँ हो जाएगा। आप खुद भी जान सकोगे कितने क्वेश्चन का मैंने इस पे राइट आंसर दिया था, अदरवाइज आप मेरा से आंसर तो सुन लोगे कि यह राइट है। लेकिन जब एक बार आप किसी चीज़ को गेस करते हो कि मैं चार ऑप्शंस में देख रहा हूँ कि चार ऑप्शंस मेरे सामने दिख रहे हैं, इन चारों में से मेरा मुझे अगर खुद ही सोचना है तो मैं क्या इसका आंसर दूंगा, और जब वो आंसर आपका करेक्ट होता है ना तो वो एक पुख्ता हो जाता है आपका कि हाँ आपको वो आंसर पता है। ओके, तो बताओ राइट आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन के लिए। तो इस क्वेश्चन का आपका 59 नंबर क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्या कह रहा है आपकी, 14वीं शताब्दी में रैदास का जन्मकाल इसी में है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 60 नंबर का क्वेश्चन। ये क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन रामानंद के शिष्य नहीं थे, रामानंद बहुत फेमस गुरु थे, उनके शिष्य कौन नहीं थे ये बात करना है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट है आपका सेना, सेकंड है रैदास, थर्ड है आपका कबीर एंड फोर्थ है आपका तुलसीदास। तो इन चारों में से आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से रामानंद के शिष्य कौन नहीं थे, जल्दी से कमेंट करके बताइए। तो इस क्वेश्चन के लिए आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ना वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी क्या कह रहा है आपका, तुलसीदास, क्योंकि तुलसीदास थोड़ा अलग टाइम पीरियड पर थे तो वो रामानंद के शिष्य नहीं थे। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 61 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि हिंदू स्वराज के रचयिता हैं, हिंदू स्वराज के रचयिता कौन है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट है आपका दादा भाई नरोजी, बाल गंगाधर तिलक, रविन्द्रनाथ टैगोर और महात्मा गांधी। इन चारों में से आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हिंदू स्वराज के रचयिता कौन है? ये आजादी के टाइम पीरियड पर लिखी गई बुक्स हैं, तो हिंदू स्वराज के रचयिता कौन है? आपके ऑप्शंस में से आपका जो राइट आंसर होगा ना वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या है, बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक ने हिंदू स्वराज की रचना किया हुआ था। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्न में से किसे भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है? पुनर्जागरण आपको पता है कि 14वीं-13वीं शताब्दी में पुनर्जागरण का टाइम पीरियड चल रहा था, लेकिन भारत में पुनर्जागरण का जनक किसको माना जाता है, फादर किसको माना जाता है पुनर्जागरण का? आपके ऑप्शन है राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद, केशव चंद्र या फिर दयानंद सरस्वती। तो इन चारों में से आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 62 नंबर क्वेश्चन के लिए, जल्दी से कमेंट करके बताइए। तो इस क्वेश्चन के लिए मेरे दोस्त आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर वन। ऑप्शन नंबर वन क्या कह रहा है आपसे, राजा राम मोहन राय। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, विवेकानंद द्वारा किस संगठन का निर्माण किया गया? विवेकानंद ने एक संगठन का निर्माण किया हुआ था ना अपने गुरु के नाम पर, तो उस संगठन का क्या नाम है? आई होप मैंने गुरु का नाम ले लिया तो आपको पता ही चल गया होगा इनमें से क्या होगा राइट आंसर। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट है आपका नौजवान सभा या रामकृष्ण मिशन या सर्व सेवा संघ या फिर हिंदू महासभा। इनमें से किस संगठन का निर्माण स्वामी विवेकानंद ने किया हुआ था? तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ना वो क्या होगा मेरे दोस्त, आई होप आप सभी को पता होगा, कमेंट कर दीजिए एक बार।
तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, रामकृष्ण मिशन। उनके गुरु का नाम था रामकृष्ण परमहंस और अपने गुरु के मिशन को फैलाने के लिए इन्होंने एक मिशन की स्थापना किया होता, एक संगठन की स्थापना किया हुआ था जिसको इन्होंने नाम दिया रामकृष्ण मिशन। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है, 64 नंबर का क्वेश्चन। ये कह रहा है आपसे कि मीराबाई किसकी परम भक्त थी, मीराबाई किसकी परम भक्त थी। आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन नंबर फर्स्ट है आपका राम की, ऑप्शन नंबर सेकंड है आपका कृष्ण की, ऑप्शन नंबर थर्ड है आपका शिव की एंड ऑप्शन नंबर फोर्थ है आपका विष्णु की। तो इन चारों में से आपका राइट आंसर क्या होगा, आई होप सभी लोग जानते होंगे क्योंकि मीरा की कहानी तो लगभग लगभग अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो आपने बहुत बार पढ़ा होगा, आपने 6th 7th में पढ़ा होगा, 10th में पढ़ा होगा, 9th में पढ़ा होगा, 11th 12th में पढ़ा होगा एंड अगर आपने हिंदी ले रखा होगा तो आपने BA में भी पढ़ा होगा। मीराबाई किसकी परम भक्त थी और नॉर्मली आपने ये सारी चीज़ें आपने टेलीविजन्स में भी देखा होगा। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन के लिए क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कृष्ण की भक्त थी ना मीराबाई, आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने 65 नंबर का क्वेश्चन। गुरु नानक का जन्म स्थल है, गुरु नानक का जन्म स्थान कहां पर है। आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन नंबर फर्स्ट है आपका पटना, ऑप्शन नंबर सेकंड है आपका काशी, ऑप्शन नंबर थर्ड है आपका तलवंडी लाहौर एंड ऑप्शन नंबर डी है आपका अमृतसर। इन चारों में से आपका राइट आंसर क्या होगा, गुरु नानक का जन्म कहां पर हुआ था, जन्म स्थान उनका क्या है। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, तलवंडी में हुआ था जो कि लाहौर में स्थित है, तलवंडी उनका ग्राम था, गांव था, तो तलवंडी लाहौर में गुरु नानक का जन्म हुआ था। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है 66 नंबर का क्वेश्चन कि अजमेर के किस प्रसिद्ध सूफी संत की दरगाह है, अजमेर में किस प्रसिद्ध सूफी संत की दरगाह है। आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन नंबर फर्स्ट है आपका ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, या बी ऑप्शन है नसीरुद्दीन चिराग, सी ऑप्शन है निजामुद्दीन औलिया एंड डी ऑप्शन है आपका शेख बहारुद्दीन। आई होप सभी लोगों को पता होगा कि अजमेर में किनका दरगाह है, काफ़ी फेमस है जो गुजरात है, सॉरी राजस्थान है, राजस्थान अजमेर की वजह से फेमस है और अजमेर फेमस है सूफी संत के दरगाह की वजह से। तो बताइए इनमें से कौन सा आपका राइट आंसर होने वाला है, ABCD, इनमें क्या होगा आपका राइट आंसर। तो इस क्वेश्चन का आपका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए आपका क्या है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह है अजमेर में। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपके सामने 67 नंबर का क्वेश्चन, कह रहा है आपसे कि मोहन जोदड़ो का खनन किसने करवाया, मोहन जोदड़ो का खनन जो कि आप अगर बात करोगे सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत ये सारी चीज़ें आती हैं, तो मोहन जोदड़ो का खनन करवाने वाले कौन थे, क्योंकि खनन के माध्यम से हमें यह पता चला ना कि वहां पर मोहन जोदड़ो था, तो उस जगह का खनन किसने करवाया था। आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन नंबर फर्स्ट है आपका RD बनर्जी, बी ऑप्शन है आपका SR राव, या सी ऑप्शन है जॉन मार्शल एंड डी ऑप्शन है आपका K दीक्षित। तो इन चारों में आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 67 नंबर क्वेश्चन के लिए। तो आई होप आपने अगर मोहन जोदड़ो हिस्ट्री पढ़ी होगी ना, एंशियंट हिस्ट्री आपने पढ़ी होगी तो आपको पता ही होगा ये चीज कि मोहन जोदड़ो का उत्खनन किसने करवाया था। इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ना वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, RD बनर्जी ने मोहन जोदड़ो का खनन करवाया था। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है 68 नंबर का क्वेश्चन। 68 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि लोथल स्थित है, लोथल कहां पर स्थित है। आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन नंबर फर्स्ट है आपके पास पंजाब, ऑप्शन नंबर सेकंड है आपके पास जयपुर, ऑप्शन नंबर थर्ड है आपके पास उत्तर प्रदेश एंड ऑप्शन नंबर फोर्थ है आपके पास गुजरात। तो ये जो लोथल है ये भी सिंधु घाटी सभ्यता का एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है, बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, तो ये कहां पर स्थित है। तो इन चारों में से आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 68 नंबर क्वेश्चन के लिए, तो ये हो जाएगा दोस्त आपका ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी क्या कह रहा है, गुजरात। लोथल कहां पर स्थित है, गुजरात में स्थित है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने 69 नंबर का क्वेश्चन कि ये जो मोहन जोदड़ो है ये कहां पर स्थित है। नाम तो आपने सुना ही हो मोहन जोदड़ो, लेकिन इसका जो जगह है, जो स्थान है वो कहां पर है। आपके ऑप्शन हैं बलूचिस्तान, सिंध, बेबीलोनिया की सभ्यता में या मेसोपोटामिया में। कहां पर ये पाया जाता है मोहन जोदड़ो का, इसका स्थान कहां पर है। तो 69 नंबर क्वेश्चन के लिए आपका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी क्या है आपका सिंधु, और इसी वजह से मोहन जोदड़ो की सभ्यता, हड़प्पा की सभ्यता, इनको क्या कहते हैं, सिंधु घाटी की सभ्यताएं। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है, धौलाबीरा स्थित है, धौलाबीरा यह भी सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेट कर रहा है। आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन नंबर फर्स्ट है आपके सामने गुजरात, ऑप्शन नंबर सेकंड है आपके पास राजस्थान, ऑप्शन नंबर थर्ड है आपके पास बिहार, ऑप्शन नंबर फोर्थ है आपके पास महाराष्ट्र। इन चारों में से आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से कमेंट करके बताइए, धौलाधारा स्थित है कहां में, गुजरात, राजस्थान, बिहार या महाराष्ट्र। राइट आंसर क्या होगा मेरे दोस्त,
तो इस क्वेश्चन के लिए भी आपका जो राइट आंसर है वो क्या है, गुजरात। धौलीधरा भी कहां पर स्थित है, गुजरात में ही स्थित है। 70 नंबर का ए नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपके सामने 71 नंबर का क्वेश्चन कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे, सिंधु घाटी सभ्यता में जो लोग रहते थे वो कैसे थे, क्या वो शाकाहारी थे, मांसाहारी थे, दोनों थे या इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर 71 नंबर क्वेश्चन के लिए? तो 71 नंबर क्वेश्चन के लिए आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ऑप्शन नंबर ए। कैसे थे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग, शाकाहारी थे। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है 72 नंबर का क्वेश्चन। ये कह रहा है आपसे कि सिंधु घाटी की सभ्यता समकालीन है, सिंधु घाटी की जो सभ्यता है वो कौन सी दूसरी सभ्यता के समकालीन है, यानी कि उस टाइम पीरियड पर दूसरी कौन सी सभ्यता चल रही थी। आपके ऑप्शन से ऑप्शन नंबर फर्स्ट है आपके पास चीन की सभ्यता, सेकंड है आपके पास मेसोपोटामिया की सभ्यता, थर्ड है आपका बेबीलोन की सभ्यता, एंड फोर्थ है आपका इनमें से कोई नहीं। तो इन चारों में आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्त? तो इस क्वेश्चन के लिए आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या कह रहा है आपसे, मेसोपोटामिया की सभ्यता। तो मेसोपोटामिया की सभ्यता और सिंधु घाटी सभ्यता ये क्या थे, समकालीन थे, यानी कि एक ही टाइम पर सिंध में सिंधु घाटी सभ्यता चल रही थी और मेसोपोटामिया की सभ्यता मिस्र में, सॉरी मिस्र नहीं है, वो क्षेत्र दजला और फरात के बीच में ये मेसोपोटामिया की सभ्यता थी। अगला क्वेश्चन आपके सामने है 73 नंबर का क्वेश्चन। ये कह रहा है आपसे कि मोहनजोदड़ो के रहने के मकान बनाए जाते थे, यानी कि मोहनजोदड़ो के लोग रहने के लिए किस चीज से मकान बनाते थे। आपके ऑप्शन हैं गारा से, ईंटों से, पत्थर से, सीमेंट से। मोहनजोदड़ो में रहने वाले लोगों ने मकान किस चीज से बनाए हुए थे, ऑप्शंस आपके सामने दिख रहे हैं, कमेंट करके बताइए। तो इस क्वेश्चन के लिए आपका जो राइट आंसर होगा ना 73 नंबर क्वेश्चन के लिए, तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, ईंटों से बनाए जाते थे, पक्के ईंटों से बनाए हुए थे मोहनजोदड़ो के शहर। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है 74 नंबर का क्वेश्चन। 74 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, ये क्वेश्चन कह रहा है कि प्रसिद्ध ताम्र नर्तकी, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, प्रसिद्ध ताम्र नर्तकी किस स्थान से प्रचलित है। आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन नंबर फर्स्ट है आपके पास हड़प्पा, ऑप्शन नंबर सेकंड है आपके पास लोथल, ऑप्शन नंबर थर्ड है आपके पास कालीबंगा, एंड ऑप्शन नंबर फोर्थ है आपके पास मोहनजोदड़ो। तो इन चारों में आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा 74 नंबर क्वेश्चन के लिए, आपका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर है वो है आपके पास ऑप्शन नंबर डी, ताम्र नर्तकी किस स्थान से प्रचलित है, तो वो प्रचलित है मोहनजोदड़ो से। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 75 नंबर का क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि हड़प्पा संस्कृति किस युग की है। हड़प्पा की जो संस्कृति है वो कौन से युग में, मतलब जो ये धातु युग था ना, उन धातुओं के कौन से युग से रिलेट करता है। आपके ऑप्शन हैं ताम्र और कांस्य युग से, या फिर पाषाण युग से, या फिर स्वर्ण युग से, या फिर लौह युग से। हड़प्पा की जो संस्कृति है वो कौन से युग की है, आई होप आप सभी को बताओगा इसका आंसर, पता है ना, तो बताओ कमेंट करके बताओ आप लोग कि क्या होगा इस क्वेश्चन के लिए आपका राइट आंसर। तो इस क्वेश्चन के लिए आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा मेरे दोस्त 75 नंबर क्वेश्चन का आपका ऑप्शन नंबर ए, ताम्र और कांस्य युगीन जो है हड़प्पा संस्कृति थी। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका करेक्ट है इस क्वेश्चन के लिए, ताम्र और कांस्य युगीन। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 76 नंबर का क्वेश्चन। ये क्या कह रहा है आपसे कि आर्य किस भाषा का शब्द है। आर्य वर्ड आपने सुना होगा ना, आर्य भारत में आए, तो आर्य जो है वो कौन सी भाषा का शब्द है। आपके ऑप्शन से ऑप्शन नंबर फर्स्ट है आपके पास लैटिन, ऑप्शन नंबर सेकंड है आपके पास ग्रीक, ऑप्शन नंबर थर्ड है आपके पास संस्कृत, एंड ऑप्शन नंबर फोर्थ है आपके पास द्रविड़। तो आर्य जो है वो कौन सी लैंग्वेज का वर्ड है, जल्दी से बताइए। तो इस क्वेश्चन के लिए आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी क्या है, संस्कृत। तो आर्य किस भाषा का शब्द है, संस्कृत भाषा का शब्द है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 77 नंबर का क्वेश्चन। ये क्या कह रहा है आपसे कि सिंधु घाटी की लिपि को सूचना मिलती है, सिंधु घाटी की जो लिपि है उस लिपि के बारे में हमें सूचना कैसे मिलती है। आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन नंबर फर्स्ट है आपका आभूषणों से, ऑप्शन नंबर सेकंड है आपका मोहरों से, ऑप्शन नंबर थर्ड है आपका खिलौनों से, एंड ऑप्शन नंबर फोर्थ है आपका मूर्तियों से। तो इन चारों में आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 77 नंबर जो कह रहा है सिंधु घाटी की लिपि की सूचना कहां से मिलती है हमें। तो इस क्वेश्चन के लिए जो आपका राइट आंसर होगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, मोहरों से मिलती है हमें सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि की बारे में पता कि कौन सी लिपि उस समय यूज की जाती थी। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है 78 नंबर का क्वेश्चन। 78 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे कि ऋग्वेद में सबसे ज्यादा किस नदी का उल्लेख है।
ऋग्वेद में सबसे ज्यादा कौन सी नदी का उल्लेख है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट है आपके पास गंगा, ऑप्शन नंबर सेकंड है आपके पास यमुना, ऑप्शन नंबर थर्ड है आपके पास कावेरी एंड ऑप्शन नंबर फोर्थ है आपके पास सरस्वती। तो इन चारों में आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इन चारों में आपका जो राइट आंसर हो जाएगा, ऋग्वेद में सबसे ज्यादा कौन सी नदी का उल्लेख है, ये चीज मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया हुआ है। तो अगर आपने नहीं देखा तो वीडियो भी जाकर के देखिएगा किसका उल्लेख हुआ है। आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ऑप्शन नंबर क्या करेक्ट है? बी करेक्ट है, यमुना नदी का उल्लेख सबसे ज्यादा हुआ है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 79 नंबर का क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि सत्यमेव जयते शब्द की उत्पत्ति हुई। सत्यमेव जयते जो वर्ड लिया गया, आपने देखा होगा हमारे भारत की एक राष्ट्रीय वाक्य के रूप में इसको कहा जाता है कि सत्यमेव जयते, तो इसकी उत्पत्ति कहां से हुई थी? आपके ऑप्शन से ऑप्शन नंबर फर्स्ट है आपसे मुंडक उपनिषद से, मनुस्मृति से, गीता से या फिर ऋग्वेद से। क्या होगा इन चारों में आपका राइट आंसर? तो इन चारों में आई होप आप सभी को पता होगा, जल्दी से कमेंट भी कर दो आप लोग। ओके, आप लोग कमेंट करते रहो यार, मैं जो आपको बार बार बता रहा हूँ ना, ये कमेंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चीज आपको एग्जामिनेशन में जब आप बैठोगे, आपके सामने क्वेश्चन आएगा, ये रिकॉल करने में बहुत हेल्प करेगा आपका कमेंट। तो कमेंट जरूर करते रहिए। ओके, तो राइट आंसर हो जाएगा 79 नंबर क्वेश्चन के लिए आपका ऑप्शन नंबर वन, मुंडक उपनिषद से लिया गया है सत्यमेव जयते। कहां से लिया गया है? मुंडक उपनिषद से। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने 80 नंबर का क्वेश्चन। 80 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि किस नदी के तट पर दशराज युद्ध हुआ था? दशराज मींस दस राजाओं का युद्ध। कौन सी नदी के घाटी पर हुआ था? आई होप एवरीबॉडी नोज अबाउट दिस। ओके, आपके ऑप्शन है पारूसड़ी, सिंधु, सरस्वती और यमुना। इन चारों में से आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 80 नंबर क्वेश्चन के लिए? जल्दी से कमेंट करके बताइए आप लोग कि इस क्वेश्चन के लिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। किस नदी के तट पर दशराज युद्ध हुआ था? तो इनका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा 80 नंबर क्वेश्चन के लिए, वो है आपका ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या कह रहा है? पारूसड़ी। किस नदी के तट पर? पारूसड़ी। अगला क्वेश्चन है आपके सामने 81 नंबर का क्वेश्चन। ये कह रहा है आपसे सत्यार्थ प्रकाश के रचयिता थे। सत्यार्थ प्रकाश के रचयिता कौन थे? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट है आपके स्वामी दयानंद सरस्वती, विवेकानंद, तुलसीदास, रामानंद। इन चारों में से आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सत्यार्थ प्रकाश के रचयिता कौन थे? जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इनमें से सत्यार्थ प्रकाश के रचयिता कौन है। आपके ऑप्शन आपके सामने दिख रहे हैं। तो 81 नंबर क्वेश्चन का आपका जो राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, स्वामी दयानंद सरस्वती थे सत्यार्थ प्रकाश के रचयिता। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है 82 नंबर का क्वेश्चन कि महात्मा गांधी का जन्म स्थल क्या है? एवरीबडी नोज अबाउट दिस। आपके ऑप्शन है सूरत, पोरबंदर, अहमदाबाद, पुणे। सबके कमेंट चाहिए मुझे, कमेंट करो। आई एम वेटिंग फॉर 10 सेकेंड्स। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। आई होप सभी लोगों के कमेंट्स आ गए होंगे। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो तो पता ही आपको, महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था? पोरबंदर में हुआ था। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपके सामने 83 नंबर का क्वेश्चन कि रविंद्रनाथ ठाकुर की प्रसिद्ध कृति क्या थी? रविंद्रनाथ ठाकुर, नहीं समझ पा रहे, टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर की प्रसिद्ध कृति क्या थी? आपके ऑप्शन से ऑप्शन नंबर फर्स्ट है आपका पाथेर पतंजलि, गीतांजलि, गीत गोविंद या गोदान। ये सारी ही उनकी ही कृतियां हैं, लेकिन सबसे फेमस कौन सी कृति थी? आपके ऑप्शन आपके सामने दिख रहे हैं, जल्दी से कमेंट करके बताइए 83 नंबर क्वेश्चन के लिए आपका राइट आंसर क्या होगा। तो 83 नंबर क्वेश्चन का आपका जो राइट आंसर है, वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या है आपका? गीतांजलि। गीतांजलि ये इनकी बहुत फेमस बुक थी, और गीतांजलि में ही इन्होंने जनगण मन जो आप सुनते हैं ना, वो इन्होंने इसमें लिखा हुआ था, और इसी जन बुक की वजह से इनको नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। एशिया का, पूरे एशिया के पहले व्यक्ति थे रविन्द्रनाथ टैगोर जिनको नोबेल प्राइज जो है, नोबेल प्राइज वो दिया गया था, तो गीतांजलि के लिए ही उनको मिला हुआ था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 84 नंबर का क्वेश्चन। ये कह रहा है आपसे कि भारतीय संविधान निर्मात्री समिति के अध्यक्ष कौन थे? भारतीय संविधान निर्मात्री समिति के अध्यक्ष कौन थे? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट है आपके पास श्री राज गोपालाचार्य, ऑप्शन नंबर सेकंड है आपके पास बाबा भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन नंबर थर्ड है आपके पास सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन नंबर फोर्थ है आपके पास जवाहरलाल नेहरू। तो भारतीय संविधान निर्मात्री समिति के अध्यक्ष किसको बनाया गया? तो 84 नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आई होप एवरीबॉडी नोज अबाउट इट। क्या होगा राइट आंसर? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को बनाया गया संविधान निर्माता समिति का अध्यक्ष। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है 85 नंबर क्वेश्चन का कि भारत छोड़ो आंदोलन में निम्न में से किस स्वतंत्रता सेनानी का नाम जुड़ा हुआ है?
भारत छोड़ो आंदोलन से निम्न में से किस स्वतंत्रता सेनानी का नाम जुड़ा हुआ है? आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन नंबर फर्स्ट है आपके पास जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन नंबर सेकंड है आपका बिपिन पाल चंद्र, ऑप्शन नंबर थर्ड है आपके पास बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन नंबर फोर्थ है आपके पास लाला लाजपत राय। तो भारत छोड़ो आंदोलन में किस स्वतंत्रता सेनानी का नाम भी जुड़ा हुआ है, जल्दी से कमेंट करके बताइए 85 नंबर क्वेश्चन के लिए। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ना, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्या है ऑप्शन नंबर फर्स्ट? जयप्रकाश नारायण, यह आपका राइट आंसर है 85 नंबर क्वेश्चन के लिए। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है। गबन बहुत फेमस बुक थी, बहुत फेमस कृति है ये, और इसके लेखक कौन है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट है आपके पास रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन नंबर सेकंड है रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन नंबर थर्ड है आपके पास धर्मवीर भारती, ऑप्शन नंबर फोर्थ है आपके पास प्रेमचंद। तो इन चारों में से गबन जो कृति है उसको किसने लिखा हुआ था? तो इस क्वेश्चन के लिए आपका जो 86 नंबर का क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, प्रेमचंद की यह बहुत फेमस कृति थी गबन। 86 नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है 87 नंबर का क्वेश्चन। ये क्या कह रहा है आपसे कि सप्तांग राज्य सिद्धांत का प्रतिपादक है? सप्तांग राज्य जो सिद्धांत है इसके प्रतिपादक कौन थे? आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन नंबर फर्स्ट है आपके पास पतंजलि, ऑप्शन नंबर सेकंड है आपके पास कौटिल्य, ऑप्शन नंबर थर्ड है आपके पास याज्ञवल्क्य एंड ऑप्शन नंबर फोर्थ है आपके पास मनु। तो इन चारों में से आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 87 नंबर क्वेश्चन के लिए? तो इस क्वेश्चन के लिए आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या है आपके पास? कौटिल्य। सप्तांग राज्य सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? कौटिल्य थे। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है 88 नंबर का क्वेश्चन। ये क्या कह रहा है आपके पास? वैदिककालीन सभा और समिति का संबंध था। वैदिककालीन सभा और समिति का संबंध किससे था? आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन नंबर फर्स्ट है आपके पास नृपतंत्र से, ऑप्शन नंबर सेकंड है आपके पास जनतंत्र से, ऑप्शन नंबर थर्ड है आपके पास समूह तंत्र से, ऑप्शन नंबर फोर्थ है आपके पास अभिजन तंत्र से। तो इन चारों में आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वैदिककालीन सभा और समिति का संबंध किससे था? तो इस क्वेश्चन के लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा 88 नंबर क्वेश्चन के लिए आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, नृपतंत्र से संबंधित था वैदिककालीन सभा और समिति का। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने 89 नंबर का क्वेश्चन। ये क्या कह रहा है कि बुद्धकालीन लिच्छवियों की शासन प्रणाली थी, बुद्धकालीन में जो लिखने वाले थे उनकी जो है शासन प्रणाली कैसी थी? लिच्छवियों की, सॉरी लिखने वालों की नहीं, लिच्छवियों की शासन प्रणाली कैसी थी? आपके ऑप्शंस हैं, सॉरी मैं थोड़ा सा पानी ले लूं। ऑप्शंस आपके सामने दिख रहा है आपके पास नृपतंत्रीय, गणतंत्रीय, सैनिक शासन या इनमें से कोई नहीं। तो इन चारों में आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 89 नंबर क्वेश्चन के लिए? सभी लोग कमेंट करके बताएंगे। तो 89 नंबर क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर होगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या है? गणतंत्रीय शासन प्रणाली थी बुद्ध के समय में। अगला क्वेश्चन देखते हैं 90 नंबर का क्वेश्चन। ये क्या कह रहा है आपसे कि आर्यावर्त किसका प्राचीन नाम है? ऑप्शंस आपके सामने दिख रहे हैं, भारत, नेपाल, चीन और रूस। आर्यावर्त किसका पुराना नाम है? आई होप सभी लोग जानते होंगे, सभी के पास ऑप्शंस है आपके पास। मैं 5 सेकंड दे रहा हूं, 1, 2, 3, 4 एंड 5। आई होप सभी लोगों ने इस पर कमेंट कर दिया होगा। क्या है आर्यावर्त किसका पुराना नाम है दोस्त? तो ये नाम है हमारे भारत देश का। भारत देश का पुराना नाम क्या है? आर्यवर्त है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके पास 91 नंबर का क्वेश्चन कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का कौन से स्थान पर है? क्षेत्रफल, जगह, स्थान, इस मामले में हमारा भारत पूरी दुनिया में कितने नंबर पर आता है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट, ऑप्शन नंबर बी है सेकंड, थर्ड सॉरी एंड ऑप्शन नंबर सी है आपके पास छठवां, ऑप्शन नंबर डी आपके पास सातवां। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से हमारा भारत विश्व में कौन से स्थान पर आता है? आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्त? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। किस नंबर पर आता है? सातवें नंबर पर आता है क्षेत्रफल की दृष्टि से, और जनसंख्या की दृष्टि से हमारा भारत दूसरे नंबर पर आता है। तो नंबर देख रहे हैं, क्षेत्रफल सातवें नंबर पर आ रहा है, जनसंख्या दूसरे नंबर पर ही आ गई है, तो इस वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है हमारे देश में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 92 नंबर का क्वेश्चन। भारत कितने समुद्रों से घिरा हुआ है? हमारा जो कंट्री है इंडिया, आपको देखा होगा आपने भारत के नक्शे में, तो ये कितने समुद्रों से घिरा हुआ है? आपके ऑप्शन से एक समुद्र से, दो से, तीन से, चार से। भारत कितने समुद्रों से घिरा हुआ है? भारत को कहते हैं प्रायद्वीप। भारत कितने समुद्रों से घिरा हुआ है? तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा 92 नंबर क्वेश्चन के लिए, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्या कह रहा है आपसे?
ऑप्शन नंबर सी आपके पास तीन तीन समुद्रों से घिरा हुआ है। कौन कौन से समुद्र हैं? आपने देखा होगा एक साइड में आप अरब के साइड में अरब सागर से, नीचे हिंद महासागर से, जो बंगाल की खाड़ी है वहां पर प्रशांत महासागर से, तो इस तरीके से तीन महासागरों से घिरा हुआ है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 93 नंबर का क्वेश्चन कि आर्य से आशय क्या है। आर्य जो वर्ड का यूज किया गया उस आर्य से आशय क्या है? आपके ऑप्शन से ऑप्शन नंबर फर्स्ट है आपके पास विद्वान, ऑप्शन नंबर सेकंड है आपके पास धनी, ऑप्शन नंबर थर्ड है आपके पास श्रेष्ठ एंड ऑप्शन नंबर फोर्थ है आपके पास निम्न। तो इन चारों में आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इन चारों क्वेश्चन के लिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन के लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। आर्य का अर्थ होता था श्रेष्ठ। आर्य लोग अपने आप को श्रेष्ठ समझते थे कि हम बहुत श्रेष्ठ जो है श्रेणी से आते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने 94 नंबर का क्वेश्चन कि भारत में सामान्यतः परिवार पितृप्रधान अथवा मातृप्रधान होता है, यानी कि हमारा जो भारत है इसमें सामान्यतः अगर देखा जाए तो फैमिली में जो पावर होती है, जो सत्ता होती है, क्या वो पिता के हाथों में होती है या माँ के हाथों में होती है? एवरीबडी नोज अबाउट इट। आपके ऑप्शन है मातृप्रधान, बी है पितृप्रधान, ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी लोगों का कमेंट्स आने चाहिए। तो राइट आंसर कैसे क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर है अभी अगर हम भारत में देखें सामान्यता ना, तो राइट आंसर हमको सी ही लगाना पड़ेगा कि दोनों का होने लगा भैया। पहले था, अगर पुराने टाइम के बारे में बात किया जाए तो पितृप्रधान जो देश हमारा था ज़्यादातर पिता का या ज़्यादा था, लेकिन अभी इक्वल थोड़ा थोड़ा होते चले जा रहा है और ये बेटर भी है, इक्वालिटी होनी ही चाहिए। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 95 नंबर का क्वेश्चन कि सैंधो समाज में कितने वर्ग हैं? सैंध समाज जो है उसमें कितने वर्ग हैं? आपके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर फर्स्ट है आपके पास तीन, ऑप्शन नंबर सेकंड है आपके पास चार, ऑप्शन नंबर थर्ड है आपके पास पांच, ऑप्शन नंबर फोर्थ है आपके पास छह। तो इन चारों में से आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या? सैंध समाज में कितने वर्ग हैं? तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, चार वर्ग हैं सैंध समाज में। तो सैंध समाज में कितने वर्ग हैं? 95 नंबर क्वेश्चन के लिए आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। कितने वर्ग हैं? दो वर्ग हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन 96 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है कि चार वर्णों का सबसे पहले उल्लेख कहां मिलता है। चार वर्णों के बारे में बात किया गया है ना, आप चाहे वेदों में उठा करके देखोगे तो कहां पर यह चीज देखने को मिलती है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर फर्स्ट है आपका ऋग्वेद के दसवें मंडल में, उपनिषद में, पुराणों में, स्मृतियों में। तो चार वर्णों का उल्लेख कहां पर मिलता है सबसे पहले? आपके ऑप्शन है ऑप्शन फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, मैंने आपको बता दिया है। राइट आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन के लिए? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ऋग्वेद में ही मिलता है, सबसे प्राचीन ग्रंथ है ना ऋग्वेद, तो उसी में के दसवें मंडल में मिलता है क्या चारों वर्णों के बारे में उल्लेख। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 97 नंबर का क्वेश्चन, ये कह रहा है आपसे कि संगीत शास्त्र किस वेद से संबंधित है। संगीत शास्त्र जो है वो कौन से वेद से संबंधित है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर फर्स्ट है आपके पास अथर्ववेद, ऑप्शन नंबर सेकंड है आपके पास सामवेद, ऑप्शन नंबर थर्ड है आपके पास यजुर्वेद एंड ऑप्शन नंबर फोर्थ है आपके पास ऋग्वेद। तो इन चारों में से आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 97 नंबर क्वेश्चन के लिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर होगा मेरे दोस्त वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या है आपका? सामवेद। सामवेद में ही संगीत के बारे में उल्लेखित है और बहुत सारी चीजें उसमें आपको देखने को मिल जाएंगी। अगला क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन आपके सामने 98 नंबर का क्वेश्चन, ये क्या कह रहा है आपसे कि ऋग्वैदिक आर्यों ने सबसे पहले नदी किसे माना है? ऋग्वैदिक आर्यों ने सबसे पहली नदी, सॉरी सर्वश्रेष्ठ श्रेष्ठ सॉरी सॉरी श्रेष्ठ सबसे ज्यादा इज्जत किस नदी को दिया हुआ है? मैंने ये पिछली वीडियो में भी आपको बताया हुआ था। आपके ऑप्शन है गंगा, ब्यास, सतलज और सरस्वती। तो इन चारों में आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा मेरे दोस्त आपका ऑप्शन नंबर डी, सरस्वती को इन्होंने सबसे ज्यादा पवित्र माना है। मेनली हम अभी अगर बात करें तो गंगा को सब लोग मानते हैं ना कि बहुत ज्यादा पवित्र नदी है, लेकिन जो आर्यों का जीवन स्थल था, जो सभ्यताएं थी, वो सरस्वती नदी के किनारे पर आर्यों का जीवन काल उनकी घाटी पर गुजरा। तो इनके हिसाब से सबसे ज्यादा सर्वश्रेष्ठ नदी कौन सी थी? सरस्वती थी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 99 नंबर का क्वेश्चन कि निम्न में से भारतीयों की उपलब्धि है, इनमें से चार ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, इनमें से भारतीयों की कौन सी उपलब्धि है? ये आप देख सकते हैं, अंकलिपि पद्धति, दशमलव पद्धति, शून्य पद्धति और ये सभी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? आई होप एवरीबडी नोज अबाउट दिस। आपने कई बार ये गाने में भी सुना होगा, जब जीरो दिया मेरे भारत ने तब दुनिया को गिनती आई, जीरो शून्य। तो भारतीयों की उपलब्धि क्या है? शून्य। आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ओके आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन हमारे सामने दिख रहा है 100 नंबर का कि सैंधु सभ्यता की कांसे की विश्व प्रसिद्ध नर्तकी की मूर्ति कहां से प्राप्त हुआ।
कांसे की एक बहुत विश्व सुंदरी नर्तकी है, एक सिंधु सभ्यता में मिला हुआ था। तो कहाँ से मिला हुआ था, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता हड़प्पा भी है, सिंधु घाटी सभ्यता लोथल भी है, कालीबंगा भी है, मोहनजोदड़ो भी है, तो इन चारों जगहों में से कहाँ से कांसे की विश्व प्रसिद्ध नर्तकी का मूर्ति मिला हुआ था। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा 100 नंबर क्वेश्चन के लिए, तो इसका जो आपका राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी क्या है, मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो से ये मूर्ति मिली हुई थी। तो ये थे दोस्त आपके 100 क्वेश्चंस, यानी कि 50 to 100। तो 50 क्वेश्चंस आपके इस वीडियो में हमने कवर किया हुआ है। तो आई होप ये वीडियो तुम्हें पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिए। आगे आने वाली वीडियोज को नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर दो, ताकि आपको आने वाली वीडियोज को नोटिफिकेशन मिलता रहे। अपने दोस्तों में भी शेयर करो, ताकि उनको भी पता चल सके और उनकी भी पढ़ाई अच्छे तरीके से हो सके। और जरूर इसमें आप पार्टिसिपेट किया कीजिए। आप कमेंट करके बता सकते हैं कि इन 50 क्वेश्चंस में से आपके कितने क्वेश्चंस का आपने आंसर दिया हुआ था वो करेक्ट थे। इससे आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा। ओके मेरे दोस्त, तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू, बाय बाय।